नमस्कार, मैं आयुषी शर्मा आपका स्वागत करती हूं केकेआर न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 15 अप्रैल से प्रारंभ कर दी गई है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी नगर के दुपड़ा शाहजापुर मार्ग स्थित रामेश्वर वेयरहाउस पर की जा रही है। रामेश्वर व्यवस्था खरीदी शुरू होने से बिजली, पानी, टेंट की छांव जैसी सुविधाओं का अभाव दिख रहा है, जिसका मुद्दा कई बार उठ चुका है, लेकिन 20 दिन होने के बाद भी अभी उपार्जन केंद्र पर अभी भी आज सुविधा बनी हुई है। उपार्जन केंद्र पर अपनी उपज लेकर आए किसानों के साथ साथ खरीदी प्रभारी और कर्मचारी का भी सब्र का बांध टूट गया है। सोमवार को सुबह जब खरीदी केंद्र पहुंचे साख संस्था कर्मचारी ने केंद्र पर हो रही असुविधाओं के बारे में वेयरहाउस संचालक के पुत्र धुरंधर चौधरी से बात करनी चाही तो उन्होंने अपनी दबंगता दिखाते हुए कर्मचारी को जान से मारने की बात तक कर डाली। अव्यवस्था से जूझ रहे कर्मचारियों को वेयरहाउस संचालक के द्वारा दी गई अभद्रता का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों के साथ हुए अभद्र व्यवहार से नाराज होकर तीन उपार्जन केंद्र खरीदी प्रमुखों द्वारा खरीदी बंद कर दी गई है और वेयरहाउस से बाहर चले गए हैं। वेयरहाउस संचालक और बैंक कर्मचारियों के बीच हुई कहासुनी के बाद अब उपार्जन केंद्र पर सरकार का कार्य रोक दिया गया है तथा नायब तहसीलदार जेपी गौतम तथा थाना प्रभारी जेएस मंडलोई पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर किसानों और खरीद प्रमुख को समझाइश देकर खरीदी चालू करवाई गई है। एक और वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते ये बैंक साख संस्था के कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों के साथ हुए अभद्र व्यवहार और धमकी दी जा रही है। गौरतलब है कि पंचलाना संस्था में काम करने वाले तूफान सिंह चौहान द्वारा एक दिन पूर्व कानर थाने में आवेदन देकर संचालक के पुत्र धुरंधर चौधरी द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने हेतु आवेदन दिया गया है, जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। वेयरहाउस संचालक द्वारा कर्मचारियों को प्रदेश स्तर के नेताओं तक धमकी दी गई है। ललित शर्मा का कहना है कि पंचलाना उपार्जन केंद्र प्रभारी तूफान सिंह चौहान को वेयरहाउस संचालक के पुत्र द्वारा जान से मारने की धमकी व गाली गलौज की बात करी गई है, जिसकी रिपोर्ट थाना कानड़ में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। जिला आगर मालवा कानड़ से संवाददाता तो मैं पूछा था कि आप यहाँ 12 बोर लेके आते हो तो यहाँ पे मंडी में 12 बोर की क्या आवश्यकता लगती है? आप कैसे सवाल कर रहे हो? पहले तो ये कैमरा नीचे करो। नहीं तो सर, जो अगर इंटरव्यू लेने जाते हो तो आपको पहले बताना चाहिए इसको। नहीं तो मैं आपसे ये क्वेश्चन आपसे कोई रिलेट नहीं है। नहीं, रिलेट से मतलब आप यहाँ किसानों को डराने के लिए लेके आते हैं? किस लिए लेके आते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। किसानों को डराने के लिए क्यों लाऊंगा मैं? मेरे को किसान से क्या डर है? नहीं तो फिर आप ये 12 बोर हर बार लेके आते हैं? लेके आते हैं। अच्छा, हाँ तो यहाँ पे आप लोगों ने काय की भी तो व्यवस्था नहीं करवा रखी, ना किसानों के लिए पानी की व्यवस्था है, ना पानी की यहाँ पे छांव की व्यवस्था नहीं है। देखो, नहीं तो मुझे तो कहीं दिख नहीं रही, दिखती तो मुझे कोई, मैं आपसे थोड़ी पूछता। आपके कैमरे में धूल जम गई है, फिर आपको नहीं दिख रही है तो आपको तो बता दो कहाँ पे टेंट के अंदर खड़ी हुई मोटरसाइकिल नहीं दिख रही हिम्मलों की? ये तो आज व्यवस्था है, उसके पहले की व्यवस्था हुआ है। किसानों के लिए व्यवस्था कहाँ है बताइए ना मुझे। इतना बड़ा गोडाउन है, अंदर कहीं भी जाके बैठ सकते हैं, तो बाहर भी तो व्यवस्था होना चाहिए। कायदे से उनके लिए छांव की व्यवस्था भी तो करवाना चाहिए ना आपको। बाहर भी करवाई है ना, कहाँ है? नहीं है ना, हमें तो कहीं दिख नहीं रहा। झुका हुआ टूटा हुआ कुछ ही नहीं, टूटा हुआ पड़ा हुआ है, पूरा टूटा हुआ पड़ा हुआ। जैसे पूरा टूटा हुआ पड़ा, बताइए आप। तो चलो ना, किसान बैठा ट्राली के नीचे बैठे, सारे किसान ट्राली के नीचे बैठे हुए हैं। वो किसान उनकी मर्जी है उनके नीचे बैठने की, तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, किसान इतने पागल तो नहीं कि आप व्यवस्था कर रहे हो और वो फिर भी जाके ट्राली के नीचे बैठे? टेंट में क्यों नहीं बैठ रहा कोई? तो टेंट है कहाँ? टेंट अगर हो तो बैठेंगे ना, वो कहाँ बैठे? देखे ना, मैं देख रही हूँ। कितने बाय कितने का टेंट है? कितने बाय कितने का टेंट लगा हुआ और किसान कितने हैं? कैसे बैठ पाएंगे बताए ना, कैसे बैठ पाएंगे? 20x40 के में कितने किसान हैं? धूप में बैठे हुए हैं, पानी नहीं, पानी के लिए तरस रहे हैं। क्या सुविधा है यहाँ पे? पानी के लिए तरस रहे हैं। तो पानी कहाँ है? और आपके द्वारा क्या किसानों को धमकी दी गई? क्या धमकी भी दी गई बैंक कर्मचारियों को? किसने बोला? बोल रहे हैं बैंक कर्मचारी। वो तो बोलेंगे कि मैंने उनका मर्डर भी कर दिया, तो क्या बोलोगे आप? तो वैसे तो नहीं बोलेंगे यार, जो अब नहीं, किसान बोल रहे हैं कि ऐसा किसान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपका काम क्या है? ये बैंक कर्मचारी इनको आपने जान से मारने की धमकी दी? क्या आपका नाम क्या भैया? तूफान सिंह चौहान। ये पछलाना में आपने इनको धमकी दी है? ये आपके सामने गवाह है? अगर झूठ बोल रहे हैं तो आपके सामने प्रूफ हो रहा है? ये बैठे हुए यहीं पे तुमने ये बोला मैं देख लूंगा, तुम मेरी कंप्लेंट करवा रहे हो, तो हमने कहा कि कंप्लेंट करवाई आपकी, और बोले मैं उठवा दूंगा और गोली मरवा दूंगा। अच्छा, हाँ है ना, आप ये गोली मरवाओगे? कम मरवाने का तिथि भी बताई होगी ना? नहीं, ये तो नहीं बताई आपने।
लेकिन ये बोला है। अरे बैंक कर्मचारी कैसे काम करेगा कोरोना में, अगर इस प्रकार की धमकी देंगे आप तो इनके बीवी बच्चों को छोड़कर ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, ऐसी धमकी मिलेगी तो क्या इनका शासन प्रशासन कैसे सहयोग करेगा। भाई आप लोगों को सोचना चाहिए ना कम से कम ये चीजें, ये बैंक कर्मचारी के साथ बोलने का तरीका थोड़ी होता है। चाहोगे दिया आपने धमकी अब इनको ऐसा लगता है तो उसमें नहीं लगता नहीं कोई, वो पागल तो नहीं, बैंक कर्मचारी आज वो दिन रात काम कर रहे हैं भाई, आज वो दिन रात काम कर रहे हैं, किसी को धमकी नहीं दी है जी। ठीक है, सिर्फ इतना बोला है कि ये टैंक के नीचे जो आपके कर्मचारियों की गाड़ी खड़ी है, काम कर रहे हैं, यहाँ क्या लाइट की व्यवस्था ठीक है, क्या सिस्टम ठीक चल रहा है, क्या चल रहा है सर हमारा, क्या प्रॉब्लम है? ये बोल रहे हैं कि लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, पर सही है क्या? सुनिए, इनका वहाँ पर इन्वर्टर रखा हुआ है, आप एक मिनट लाइट बंद करके देख लीजिए, एक मिनट में इन्वर्टर बैठ जाएगा। किसान कोई गुंगा वेरा नहीं है, ये क्या है, धरती पुत्र है, अन्न पैदा करते हैं, प्रिंटर जल गया है, सारे सामान हमने इकट्ठे करके रखे हुए हैं। तो अभी आपका क्या कहना है? हमें प्रोटेक्शन जब तक नहीं मिलेगा, हम धमकी दे रहे तब तक कैसे काम चालू करें? जब तक आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, जब तक आप किसान की गेहूँ नहीं तोलेंगे। हमने परसों भी एक कंप्लेंट करी थी, हमने देके आए थे थाने में जी, तो वहाँ से एक रिसीट हमें भी दी थी जी, लेकिन इसके बाद में पुलिस वाले आए थे जी, वापस फिर चले गए। और आज धमकी मिली है, और आज धमकी से धमकी मिली है। किस कारण हुआ विवाद है? ये गाड़ी रखी है या इस कारण हुआ विवाद? इमालों की गाड़ी रखी है, कुछ किसानों की गाड़ी रखी है, इसलिए विवाद करा बेराउस वाले ने। तो इमालों का कहना क्या है? तो गाड़ी नहीं रखेंगे, माल तो पैदल आएंगे कि बस पहुँचाएंगे ये बेराउस वाला लेने के लिए। इनको बेराउस वालों को क्या कहना है? कहना यह है कि किसान के लिए टेन लगाया था, टेन देखो आप कैसा लगाया उसने, इतने में किसान मोह जाते हैं क्या? तड़का में हुआ है हम, और गाय की व्यवस्था नहीं है यहाँ, और क्या क्या व्यवस्था नहीं है यहाँ, पानी की नहीं है, लाइट की नहीं है, मशीन खराब चलते हैं, वो होता है बस, क्या नाम है तुम्हारा? राधेश्याम। क्या करते हो यहाँ पे? हिम्मानी करता हूँ। क्या यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है? यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, गड्ढे ऐसे ऐसे बड़े बड़े हो रहे हैं, गाड़ी रखने की व्यवस्था नहीं है सर, पानी की व्यवस्था भी नहीं है जी सर। और ये छांव वगैरह? छांव भी नहीं है, छांव एक फटा टेंट डाला उसने, उन्होंने किसान को भी ना तो छांव की व्यवस्था, ना हिम्माल को छांव की व्यवस्था, ना गाड़ी रखने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था सर, पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं जी सर। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम सुर्खियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।